आज का जो वीडियो है वो है जेई की प्रिपरेशन। जो भी बच्चे कोटा जाने के लिए एकदम बेकरार है कि भैया कोटा की कोचिंग्स कब खुलेंगे, कब हमें जाना चाहिए, उनके लिए आज का वीडियो। बिल्कुल सही पढ़ा है आपने थंबनेल पे, अभी कोटा जाना बिल्कुल ही बेवकूफी करना है, ठीक है ना। क्योंकि अभी कोटा जाने का कोई मतलब नहीं है। क्यों मतलब नहीं है ये आप पूरा वीडियो देख लो, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि मैं आपका सीनियर हूं, मैं वहां रह चुका हूं, तो मुझे पता है कि वहां का क्या सिस्टम है, वहां कैसे कोर्सेज चलते हैं, वहां पढ़ाई का क्या सिस्टम है, आपकी एकेडमिक्स एग्जाम कब होंगे, उस हिसाब से आपको कोटा जाना चाहिए, ठीक है ना। तो उसी सिलसिले में मैं आज का वीडियो बना रहा हूं। देखो, कोटा बेसिकली दो ही टाइम पे बच्चे जाते हैं, एक तो क्लास 10th पास करके, दूसरा क्लास 12th पास करके। अब जो भी बच्चे 2020 में क्लास 10th पास किए थे और उन्हें अप्रैल में कोटा जाना था, लेकिन लॉकडाउन के कारण वो कोटा नहीं जा पाए, ठीक है। एक तो वो बच्चे, पहले मैं उनके बारे में बात करता, वो कोटा नहीं जा पाए। अब वो कोटा नहीं जा पाए तो यानी कि 2021 में वो चले जाएंगे क्लास 12th में, क्योंकि 11th में तो वो कोटा जा ही नहीं पाए, अब वो चले गए 12th में। तो देखो, सिर्फ वो एक ऐसे बच्चे हैं जिन्हें अगर कोचिंग जनवरी में खुल जाती है तो उन्हें निकल जाना चाहिए, वो भी तब जिन्हें भी क्लास 11th, जिनके भी स्कूल में क्लास 11th बोर्ड एग्जाम कंपलसरी नहीं है, ठीक है ना। वो जैन में निकल जाओ और वो कोटा में जैन से दिसंबर तक वो आपके 11th और 12th दोनों का सिलेबस कंप्लीट कर देंगे। और एक और बात याद रखना कि अगर आप जेई मेन के लिए जाओगे कोटा अभी के टाइम पे, तो वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आप 2 साल का कोर्स वो लोग 1 साल में खत्म कर रहे हैं, और उसके बाद से जेई एडवांस के लिए अगर आप जाओगे तो आपको सोचो कितने टफ टफ क्वेश्चंस करवाएंगे, और इतना वहां तो टाइम मिलता नहीं है सांस भी लेने का, और टाइम आपके पास वैसे भी कम है। तो मेरा मानना यह है कि अगर आप कोटा अभी जा रहे हो, वो बच्चे जो 2020 में क्लास 10th पास करके 11th में आए थे और वो 12th में जाएंगे, तो वो कोशिश करो कि जेई मेन का कोर्स ज्वाइन करने का। वैसे सबको अपना लेवल पता होता है, अगर आप लगता है कि नहीं मैं एडवांस क्वालिफाई कर सकता हूं, अगर आपको पता है तो आप एडवांस ही कोर्स ज्वाइन करो, ठीक है। अब दूसरे वो बच्चे हैं, सिर्फ यही बच्चे हैं जो जनवरी में जाएंगे। अब दूसरे वो बच्चे जो 2021 में क्लास 10th पास करेंगे, ठीक है, तो उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें हड़बड़ाने की कोई जरूरत नहीं। जैसे क्लास 10th वो पास करे, उस समय तक हर चीज, हर सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी, तो वो लोग आराम से कोटा उस टाइम पे जा सकते हैं, तो उन्हें कोई दिक्कत लेने की बात नहीं है, वो आराम से 10th पास करें और उसके बाद कोटा के लिए निकल जाए। अब वो बच्चे हैं जिन्होंने क्लास 12 पास की थी इस साल और वो 13 करने कोटा जाना चाहते थे, लेकिन वो भी लॉकडाउन के कारण उनके भी सपने अधूरे रह गए, और वो या तो कॉलेज ले लिए या घर पे रह के ही ऑनलाइन स्टडी की है और अपनी प्रिपरेशन की है, और उन्हें जेई का एग्जाम दे रहा है, तो उनका तो अब बात ही खत्म है। वो कोटा जाने का सपना अपने दिमाग से निकाल दे, क्योंकि उन्हें फरवरी या मार्च में जेई मेन का एग्जाम देना है, तो अब कोटा जाने का उनके लिए कोई मतलब नहीं है, और उनको जाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उनका 13 भी हो गया, 12 भी हो गया, खत्म हो गया उनकी। अब वो बच्चे जो 2021 में क्लास 12 पास करेंगे, तो देखो वही बात है, जो 2021 में क्लास 12 पास करेंगे और साथ ही जेई के एग्जाम देंगे, तो और उनको पहले से पता है कि उनकी जेई की तैयारी उतनी अच्छी नहीं हो पाई है और वो कोटा ही जाएंगे, तो वो आराम से अपना 12 का बोर्ड का एग्जाम दे, और जैसे ही बोर्ड का एग्जाम हो रिजल्ट का वेट ना करे, अपना कोटा के लिए वो लोग निकल जाए। अब एक और टाइप के बच्चे हैं, वो बच्चे जो इस साल 12 में पढ़ाई कर रहे हैं और कोटा में वो पहले से थे, 11th तो उन्होंने कोटा से पढ़ी, लेकिन जैसे ही 12th उनको जाना था कोटा, तब लॉकडाउन लग गया और वो यहीं रह गए, यानी आधी पढ़ाई तो उनकी कोटा से हुई है और आधी पढ़ाई तो उनकी होम टाउन से हुई है। अब उनको क्या करना चाहिए, उनको तो भाई देखो जेई मेन का पहले फरवरी मार्च में जो एग्जाम हो रहा है वो दो, अपने बोर्ड के प्रैक्टिकल्स दो, अपने बोर्ड के एग्जाम दो, अपना स्कोर देखो कि वो जेई मेन में क्या स्कोर किए, क्या इस साल वो अच्छे कॉलेज में ले पाए या नहीं मिल पाया, उस हिसाब से वो आगे की तैयारी करे, ठीक है ना। अभी मतलब उन्हें भी अब कोटा जाने का कोई भी जरूरत नहीं है और जाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अब उतना टाइम बचा नहीं है, अगर कोचिंग खुल भी जाती है तो मैं समझता हूं कि मैंने सारे जो क्लास है उनका मैंने डाउट सॉल्व कर दिया, 10th पास आउट, 12th पास आउट, 13 इस साल जो 12 में थे, जो अगले साल 12 में है, सबके मैंने बता दिए कि किन्हें जाना चाहिए किन्हें नहीं जाना। बस एक ही कैटेगोरी है जिन्हें जाना चाहिए, वो बच्चे जो अभी क्लास 11th में है और 2021 में वो क्लास 12th में जाएंगे और 2022 में उन्हें जेई का एग्जाम देना है, वो बच्चे हैं जो अभी कोटा के लिए तुरंत ही जैसे कोचिंग खुले उन्हें तुरंत निकल जाना चाहिए, वो भी तब जब उनके स्कूल में क्लास 11th बोर्ड एग्जाम कंपलसरी ना हो, अन्यथा जितने भी बच्चे हैं उन्हें अभी कोटा जाने का
कोई भी मतलब नहीं बनता है, वो आराम से अपना बोर्ड एग्जाम दे, अपना जेई का पेपर है तो वो दे और अप्रैल या मई में वो आराम से कोटा निकले। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और भी मैं बहुत सारी वीडियोस बनाऊंगा, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना और चैनल को तो सब्सक्राइब जरूरी कर देना। सो थैंक यू।